Good morning, dear student and all respected parents. Hope you all are well at home and all the student do your work properly and regularly. So you know very well that we have done our English grammar practice portion complete and now we are doing our writing portion. We have already done our two topics, message and notice, and today we will do our new topic. What is the topic? Application and letters. So first of all, we have to know what is a letter. So here is the definition of letter. Look here at the board first. What is a letter? So written message conveyed from one person to another person. So what is the meaning of a letter? It means एक रिटर्न मैसेज जो कि कन्वे किया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लेटर कहते हैं. और या इसकी सेकंड डेफिनेशन बोले तो हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन इन रिटर्न. ऐसा कम्युनिकेशन जो कि रिटर्न के थ्रू, ऐसी बातचीत जो हम किसके द्वारा कर रहे हैं, रिटर्न फॉर्म में कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए जान लेते हैं कितनी तरह के लेटर्स होते हैं बेटा. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स हियर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर. फर्स्ट इज फॉर्मल एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल. सो व्हाट इज अ फॉर्मल लेटर? देखें यहाँ पर फॉर्मल लेटर तो दो तरह के लेटर होते हैं. जो पत्र होते हैं, जो आप लेटर लिखते हैं, वो दो तरह के होते हैं. एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल. तो फॉर्मल लेटर क्या होते हैं? जो हम ऑफिशियल पर्पज के लिए लिखते हैं, किसी ऑफिशियल पर उद्देश्य के कारण हम लिखते हैं. तो वो हम किस किस को लिख सकते हैं? ए लेटर टू एडिटर, एक एडिटर को लिख सकते हैं, प्रिंसिपल हेडमास्टर को लिख सकते हैं, किसी जो हायर अथॉरिटी है उसको लिख सकते हैं, या फिर किसी ऑफिसर को लिख सकते हैं. क्योंकि वो हम पर्सनल, ऑफिशियल पर्सनल नहीं, क्योंकि हम किसके लिए लिख रहे हैं? किसी ऑफिशियल पर्पज के लिए लिख रहे हैं. नेक्स्ट हमारा आता है इनफॉर्मल लेटर. तो व्हाट इज इनफॉर्मल लेटर? तो बेटा इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जिन्हें हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं. यानी पर्सनल बातें शेयर आप किसके साथ करते हो? अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो, अपने रिलेटिव्स के साथ करते हो, अपने पेरेंट्स के. तो जो लेटर हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और किसी पेरेंट्स या किसी जानकार के लिख रहे हैं, जानने वाले को, करीबी को लिख रहे हैं, तो वो लेटर होते हैं इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर. तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, एक एप्लीकेशन. बेटा सिक्स क्लास के सिलेबस में एप्लीकेशन और लेटर्स दिए गए हैं. तो पहले हम एप्लीकेशन को जान लेते हैं. एप्लीकेशन भी लेटर के थ्रू की तरह ही एक कम्युनिकेशन होता है इन रिटर्न फॉर्म. तो सबसे पहले एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है उसका फॉर्मेट जान लेते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं. तो हेयर इज एप्लीकेशन फॉर सिकलिंग. एक हमें एप्लीकेशन लिखनी है बीमारी के लिए. बहुत ही कॉमन है कि जब आप बीमार होते हैं, वैसे भी आप रेगुलर एक एप्लीकेशन लिखकर स्कूल में सबमिट कराते हैं, तो वो फॉर्मेट आपको आना ही चाहिए. देखिए रिटर्न यहाँ पर दिखाया गया है आपको. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर लीव फॉर अ वीक बिकॉज यू आर इल. अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है. किस लिए लिखनी है? वो इसलिए लिखनी है कि एक वीक की छुट्टी चाहिए, आप बीमार हैं इस कारण से. तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे टू, टू के बाद ना कोई कोमा ना ही कोई फुल स्टॉप. इसके बाद लिखेंगे द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल कोमा विवेकानंद, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोमा. फिर आप जगह का नाम लिखेंगे, कहां पर है प्लेस, धारूहेड़ा, फुल स्टॉप. इसके बाद आपको वन लाइन स्किप करनी है, छोड़नी है. इसके बाद आप सब्जेक्ट डालेंगे. क्या है आपकी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट? एप्लीकेशन फॉर सिक लीव. ये आपका सब्जेक्ट है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव. इसके बाद आप फिर से वन लाइन स्किप करेंगे और आप लिखेंगे सैल्यूटेशन. व्हाट इज द सैल्यूटेशन? सैल्यूटेशन का मतलब होता है ग्रीटिंग वर्ड. आप डालेंगे यहाँ पर रेस्पेक्टेड
सर कॉमा, अब अपने जो हमारी एप्लीकेशन है उसकी बॉडी आप मेंशन करेंगे, क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए आपको। तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे आई वेयर टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सिक्स। अब आपका जो भी सेक्शन है वो डाल सकते हैं आप, सिक्स से फुल स्टॉप। इसके बाद आप लिखेंगे आई, अब रीजन बताएंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट फुल स्टॉप। आई एम unable to come to school full stop। So के बाद आप कॉमा लगाएंगे kindly grant me leave for a week। और ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एंडिंग ऑफ योर लेटर आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फुल स्टॉप। और इसके बाद आप वन लाइन स्किप करेंगे और उसके बाद लिखेंगे योर्स फेथफुली कॉमा अपना नेम रोल नंबर क्लास एंड डेट। ये चीज आप यहां पर मेंशन करेंगे और इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। तो सभी बच्चे ध्यान से ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट समझेंगे और लिखेंगे और इसे याद करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।